तो देश में महामारी के हालात को देखते हुए अगले 4 से 5 महीनों में तीसरी लहर आने के कयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इससे निपटने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विशेषज्ञों की कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि प्रदेश सरकार अभी से तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू कर रही है। सरकार का पूरा ध्यान संसाधन जुटाने पर है। प्रभुराम चौधरी से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश हाहाकार में है और तीसरी लहर की आशंका ने जो है कहना कि लोगों को चिंतित कर रखा है और कई राज्यों ने तीसरी लहर को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश की क्या कुछ तैयारी है तीसरी लहर को लेकर, हमारे साथ प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मौजूद हैं। सर, दूसरी लहर का कहर हमने देखा, एक महीने से लगातार प्रदेश के अंदर अस्पताल, ऑक्सीजन बेड, दवाइयों की ये तमाम तस्वीरें सबके से नहीं छुपी थी, पर लेकिन ऐसे में तीसरी लहर की आशंका एक बार फिर से, क्या तैयारी, क्या कुछ आशंका आपको, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिली है? सरकार ने तीसरी लहर के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए। आप देख रहे हैं कि लगभग 100 संयंत्र ऑक्सीजन के प्रदेश के अंदर अस्पतालों में लगाने के आदेश दिए गए हैं और 8 जिलों में तो ऑक्सीजन जो प्लांट है वो बनकर भी तैयार हो गए हैं। कई जगहों पर अभी हमारे इस वीक में, सेकंड वीक में, मई के सेकंड वीक में बनकर तैयार हो जाएंगे। कुछ जिलों में थर्ड वीक आप मई में बनकर तैयार हो जाएंगे, कुछ जून में तैयार हो जाएंगे। और जो प्राइवेट अस्पताल भी अगर जो ऑक्सीजन के संयंत्र अगर लगाएंगे तो उनको भी सब्सिडी दी गई है जिससे कि वो भी लगें। सर, एक बात कही जा रही है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी और खासकर अगर बात किया जो पहली लहर बुजुर्गों को, दूसरी लहर हमने देखा कि युवाओं को, और तीसरी लहर बच्चों के लिए बड़ी चिंतादायक जो तस्वीर है, जो आशंका डॉक्टर्स वैज्ञानिक जो जता रहे हैं। अब इसके लिए विषय विशेषज्ञों से हम लोग बातचीत करेंगे, जो भी वैज्ञानिक हैं उसमें और क्या किया जा सकता है उसके आधार पर फिर हम लोग अपनी तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। निश्चित तौर पर तीसरी लहर को लेकर देश और दुनिया के लोग सतर्क है, मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है। प्रभुराम चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो भी विशेषज्ञ होंगे उनसे राय सुमारी करेगी और तीसरी लहर के बचाव को लेकर सरकार जो है अभी से तैयारी में जुटी है। कैमरामैन वीरन नागर के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल।